नमस्कार, न्यूज़ इन साइंस में आपका स्वागत है। साइंस आउट ऑफ स्क्रैप सेगमेंट में हम आज आपको ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाना सिखाएंगे जो अपने घर पे बच्ची या बेकार चीज़ों से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम आपको आज चुंबक से कुछ बनाना सिखाते हैं। इसके लिए हमको चाहिए एक रबड़ का पीस जिसे मैंने पुरानी चप्पल में से काटा है, और कुछ चुंबक, एक पेंसिल और एक प्लास्टिक का पीस। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये एक रबड़ का पीस लेता हूँ। इसमें मैंने कुछ खांचे कट किए हैं, तीन लाइनें ऐसे काटनी है, और चुंबक को लेना है। आपको ध्यान रखना है चुंबक को आप एक ही तरह से पकड़ेंगे, जैसे मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं एक चुंबक को यहाँ लगाता हूँ, फिर दूसरे को यहाँ पर, तीसरी को यहाँ पर, और फिर एक और चुंबक मैं यहाँ लगा देता हूँ। इसके बाद मैं एक प्लास्टिक के पीस को यहाँ पर लगाता हूँ। ये हमारा बेस तैयार हो गया। अब मैं एक पेंसिल लेता हूँ और चुंबक को मैं इसमें लगाऊंगा। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि आपको चुंबक कैसे लगानी है। सबसे पहले आप चुंबक को चेक करेंगे इसके साथ, ये देखिए चिपक रही है, हम इसको ऐसे नहीं लगाएंगे। आप ये चेक कर लीजिएगा पहले कि ये इसके साथ नहीं चिपकनी चाहिए। अब मैं इसमें से एक चुंबक निकाल के पेंसिल में ऐसे डालता हूँ, एक और चुंबक निकाल के मैं इसमें डालता हूँ, और थोड़ी सी पेंसिल को मैं पीछे से काट दूंगा। अब मुझे इस चुंबक को इस फ्रेम के ऊपर सेट करना है। थोड़ा सा चुंबक को इधर उधर किया जा सकता है, और ये हमारा बन गया लेविटेशन। ये देखिए पेंसिल हवा में है, आपने देखा ये पेंसिल हवा में घूम रही है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? असल में इन सब मैग्नेट का पोल सेम है, और आपको मालूम है सेम पोल आपस में रिपेल करते हैं, एक मैग्नेट दूसरे को धकेल रही है। लेकिन यहाँ पर इस प्लास्टिक के पीस की वजह से ये पेंसिल रुकी हुई है। तो देखा आपने कितना आसान है स्क्राइब से खिलौने बनाना। मुझे उम्मीद है कि आइडिया आपको भी बहुत पसंद आया होगा और आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।